बिल्कुल हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 56 इंच का सीना अगर चाइना को दिखाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब चाइना की तरफ मोदी जी जाते हैं तो 4 इंच का सीना बच जाता है। पाकिस्तान से नफरत इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमानों से नफरत। चाइना की तो हिम्मत नहीं हमारी तरफ देखे। गालवान गालवान भूल गए, गालवान गलवान भूल गए। राहुल बाबा से पूछिए, एरिया बता, एरिया बता, एरिया बता, एरिया बता, एरिया बता, एरिया पूरा ले लिया, एरिया बता, एरिया मोदी की कसम, एरिया मोदी जी की कसम, पूरा लद्दाख ले लिया। चलिए मैं बताता हूँ, मैं चलिए मैं दिखाता हूँ, एरिया बता, अब चलिए ना, एरिया बता, एरिया पूरा लद्दाख ले लिया। अब ये सवाल मैं बीजेपी के नेता से अगर पूछ दूंगा तो सब कहेंगे एकदम सही सवाल बीजेपी के नेता से पूछ दिया, तो भट्टी साहब से पूछता हूँ। भट्टी साहब, मोदी जी हैं तो मुमकिन है या नहीं है? पाकिस्तानी तो कह रहे हैं। पाकिस्तानी जरूर कहते होंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की महंगाई से, पाकिस्तान की इस हालत में हिंदुस्तान को इतनी खुशी क्यों हो रही है, क्यों? मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आप 2024 का चुनाव पाकिस्तान की गरीबी के ऊपर चुनाव जिताना चाहते हो, या यहाँ देश भर में जो भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर चुनाव लड़वाना चाहते हो? तो मोदी जी को यहाँ की डेवलपमेंट करनी चाहिए, यहाँ का रोजगार करना चाहिए, यहाँ के लोगों को भुखमरी से आगे निकालना चाहिए। पाकिस्तान अपना के पीछे ताली बजा रहा है। जरूरी यह है कि पाकिस्तान से नफरत करने की जगह पाकिस्तान से मोहब्बत करके भारत के लोगों को रोजगार दीजिए। वो 80% भुखमरी में है, भारत के लोग 80% भुखमरी में है, बेरोजगारी में है। भारत के लोग 80% रोडों पर आ रहे हैं। ये जितना लोग यहाँ